आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, अक्षय गुप्ता हैं हेड एक्सपोर्ट केआरबीएल के, और किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा के, और साथ ही हमारे संवाददाता अमरीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। और जतिन जी, अब आप बताइए सर, गोल्ड सिल्वर में आज क्या किया जाए? डॉलर इंडेक्स की जिस तरह से पॉजिटिव रैली चल रही है उसके कारण मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा प्रेशर जो है और बनते हुए देखने मिलेगा। एक से दो दिनों का व्यू पॉइंट जो लेकर चलते हैं एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए सेलिंग की रणनीति जो है वो अपना के चलनी है। 58,700 से लेकर 58,800 के बीच में सेल कीजिए, 59,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और 58,400-300 के टारगेट्स रखिए गोल्ड के अंदर। सिल्वर के अंदर भी सिमिलर व्यू है, व्यू पॉइंट जो है वो सेलिंग का बना हुआ है। 72,500 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक सिल्वर भी मेरे लिए वीक है। 71,000 के टारगेट्स के लिए सिल्वर के अंदर भी सेल कॉल जो है इनिशिएट करके चल सकते हैं। क्रूड में क्या करें सर, कच्चे तेल में? जतिन जी, नितिन जी, क्रूड का मार्केट जो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है, हालांकि ब्रॉड ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट है। जब तक 85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है NYMEX क्रूड तब तक ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है और जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए इंट्राडे और एक से दो दिनों का व्यू पॉइंट है मेरा। 74.50-74.55 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। 75.20 का स्टॉप लॉस रखें और 73.50-73.25 का ये टारगेट्स लेकर चलना है। क्रूड के अंदर भी सेलिंग की रणनीति अपनानी है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से है ये कॉल। ब्रॉड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।